क्या नाम है भाई साहब? राजेश वरम। कहाँ के रहने वाले हो? पिलौदा। क्या मामला हो गया? मेरी पत्नी की किसी ने हत्या की है। अच्छा, कैसे, क्या हुआ आपके पास, आपको सूचना कैसे मिली? 12:29 पे फोन आया था कि किसी कोई नौता देने आया है। उसके बाद में मैंने 1 बजे फोन लगाया तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ बताया है। उनके बाद मैंने पड़ोसियों को फोन लगाया, उसके बाद में वो मृत मिली है। मेरे अस्पताल लेके आया हूँ, मैं अस्पताल लेके आया हूँ। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या घटना हुई है आपके साथ? किसी ने हत्या की है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। घर में सामान वामन सब बिचला पड़ा है। गोदरेज की अलवारी खुली डली है, बेड खुला डला है, गुल्लक फूटी डली है। मतलब लूट के उद्देश्य से हत्या? किसका फोन किसका आया था? मेरी पत्नी का ही फोन आया था। नहीं, किसने निमंत्रण किया था? आप जी पता नहीं, नौकरी कोई निमंत्रण देने आया है। नाम क्या बताया था निमंत्रण देने वाले का? दिनेश शर्मा के अकल पटा का निमंत्रण है, ये बताया फोन पे। फोन पे उसके बाद फिर आपकी बात नहीं? फिर मेरी बात नहीं हुई है। तो वो घर में अकेले? मोबाइल उसका स्विच ऑफ जा रहा हूँ। बस के बाद मैंने फोन लगाया तो मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। मोबाइल भी नहीं मिला अभी? मोबाइल नहीं मिला है। आठ पड़ोस में किसी को चिल्ला उसकी आवाज आई? नहीं, कोई को नहीं आई चिल्ला आवाज। बच्चे थे? बच्चे मेरे दोनों स्कूल थे। उनका नाम क्या था? उनका नाम क्या था? चाइना शर्मा। उम्र कितनी होगी? 35। भाई, आज की ये जो घटना सुनने में आई वाकई में बहुत दुखद और अप्रत्याशित घटना है, और ये हमारे पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसके लिए तो समय सीमा के अभी से हम लोगों ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। हम तो चाहेंगे कि रात को दूसरे दिन सुबह तक इतनी जल्दी से जल्दी हो हम उसको ट्रेस करेंगे। और उसके अलावा कुछ मुद्दे मुझे यहाँ पर अभी जानकारी में दिए हैं, उनके लिए भी कल से ही वो की शुरुआत कर दी जाएगी। और आप लोग हम भी उस दम में शामिल हैं, ऐसी बात नहीं है। और जितने भी जल्दी से जल्दी हो सके हम लोग इसको ट्रेस करके आप लोगों का जो सेंटिमेंटल भावनाएँ हैं उसको हम कम से कम जो गया उसकी पूर्ति तो कर नहीं सकते, पर जितना प्रयास करके कर लेंगे। ठीक है सर, हमारी मांग है हमारी पब्लिक की ये डिमांड है, सबसे पहले तो स्मैक बिकना यहाँ की बंद हो जाए, सट्टा बंद हो जाए। जो स्टाफ यहाँ मिला हुआ है बिकवा रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है, उसको आप तत्काल यहाँ से हटाएं। नीचे वाला हम आपकी हर बात अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप हमें टाइम दें, हम आंदोलन करेंगे। क्या सट्टा हम बंद कराएंगे और जो मिले हुए लोग हैं उनको यहाँ नहीं रहने देंगे, पूरी तरह बंद होगा ये। हाँ, मैंने कहा दूसरा एंगल भी उन्होंने बताया मुझे, पूरी तरह बंद होगा। वो स्टाफ हटेगा जो मिला हुआ है, वो आप अलग से ठीक है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसमें सफलता के लिए। अब आपसे हम जब पब्लिक ये सुनना चाहती है कि आप वो स्टाफ कब तक हटा देंगे, इसमें को सट्टा यहाँ कब तक बंद हो जाएगा? बिल्कुल आज रात से कार्रवाई शुरू कर देंगे। हमारे प्रशासन नहीं बचे, कोई दिक्कत ना रहे साहब, हमारे प्रयास तो अभी से शुरू करने चाहिए। हमारे मैसिंग हुई है साहब, आप समझ रहे, मैं समझ रहा हूँ, हमारे प्रयास तो अभी से शुरू होने जाएंगे। रात कोई थोड़ी करेंगे, अब क्या कहना चाहते हो? कर्मचारी भी यही किराए से रहते हैं, जो आपके कर्मचारी हैं वो जो काम करवा रहे हैं इसमें लिखवा रहे हैं वो भी यही किराए से रहते हैं। कल अगर घटना उनके साथ हुई फिर क्या होगा? किसी के साथ ये हर किसी के साथ हो सकती है ना सर? बिल्कुल, ये टाइम होना चाहिए। आप भी इसी समाज में हमारे कार्रवाई कभी साथ नहीं। कल के लिए घटना आप हो सुन तो लिया, आप सुनिए, आप एडिशन साहब ने एसडीओपी साहब ने आश्वासन दे दिया है, अब अपन लेके चलते हैं, अपन दाह संस्कार करेंगे और 3 दिन के अंदर ये कार्रवाई नहीं होती है तो हम थाने का घेराव करेंगे और यहाँ आंदोलन करेंगे, यही टेंट बांध कर।